सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का नाश प्राणियों में, विश्व का भूम हर हर महादेव। मानस मनीषी महान भाव उपस्थित श्रद्धालुओं, श्रद्धा में माताओं और बहनों, राष्ट्रीय उपन के दिन के पलते नौजवान बालक बालिकाओं, हम सब श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लें, तत्पश्चात भगवान के दिव्य चरित्र श्रवण करें। मंच के प्रारंभ में श्रीमद् भागवत एवं मानस के बड़े ही प्रिय विद्वान कमलेश्वरेंद्र जी द्वारा आपने सत्संग श्रवण किया। उनके बाद मानस मद्मत श्री चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी जी के द्वारा, तत्पश्चात परम संत श्री रामदासो दास जी महाराज के द्वारा ये संत सम्मेलन के द्वारा, मानस मर्मकों के द्वारा सामूहिक रूप से एक साथ एक मंच पर बैठकर विभिन्न प्रकार के भाव सुनों को भगवान के श्री चरणारविंदों में सबने समर्पित किया। इसलिए आज वास्तव में जैसा लिखा था श्री रामचरितमानस एवं संत सम्मेलन, तो आज रामचरितमानस एवं संत सम्मेलन की सार्थकता सिद्ध हो गई, उसका मूल रूप प्रतिष्ठापित हो गया। आप बड़े ही भावमयी भूमिका में बैठकर सत्संग श्रवण कर रहे हैं, लेकिन परंपरा है भगवान का नाम लेना ही चाहिए। आप कह सकते हैं कि महाराज जी पहले बलिदान ने तो नाम संकीर्तन कराया, दूसरे वक्ता ने भी कराया, तीसरे ने भी कराया, अब चौथा सीधी कथा शुरू कर दो तो क्या दिक्कत है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वक्ता लोग अपना टाइम पास को नहीं करते? ऐसी मानसिकता तो नहीं है। देखो एक बात आपको बताएं, जो भी वक्ता कथा कहने के लिए बैठता है उसकी गरज है। अब आप सब सहयोग करते हैं उसका, इसलिए आप साधुवाद के पास चले जाते हैं। आप कहो महाराज जी गरज है तो दो चार घंटे जिस कक्ष में आप रहते हैं या जिस भवन में रहते हैं, जहां भी रहते हैं वहां ले लिया करो। राम राम दिनभर कहो, सीताराम दिनभर कहो, यहाँ आके तो डायरेक्ट कथा लोग कहते हैं, डायरेक्ट कथा। एक बात बतावे, ये कथा स्वाध्याय से नहीं होती है। कथा ही एक ऐसा
परम तत्व अमृत तत्व है कि जिसको प्रयास एवं पुरुषार्थ से नहीं परोसा जा सकता है, केवल भगवान की कृपा से ही उसको परोसा जा। आज जो भी भाव कुसुमों को परोसा जाएगा या समर्पित किया जाएगा वो स्वाध्याय से नहीं, भगवान की प्रेरणा से, प्रभु कृपा से। स्वाध्याय महत्वपूर्ण हो सकता है कहाँ, कोई गोष्ठी आदि हो रही हो, चिंतन शिविर लगा हो, क्यों भाई वहां स्वाध्याय काम करता है। लेकिन जहां पर स्वयं भगवत स्वरूप श्रोता विराजमान हो, क्योंकि जितने भी श्रोता होते हैं सब प्रभु की प्रिय आत्माएं हैं, दिव्यात्माएं बोलो है, सबके अंतःकरण में भगवान बसा हुआ है, भगवान ही खींच लाता है, किसी को टाइम नहीं है लेकिन भगवान खींच के लाता है। इसका मतलब है कि आत्मा में परमात्मा बैठा है, आत्मा आपको बार बार विवश करती है, चलिए चलिए चलिए।